प्रधान सचिव कार्य प्रशासनिक सुधार और राज्यसभा विभाग के रूप में प्रधान सचिव कैबिनेट सचिव अलग और विजिलेंस विभाग के अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत है। मैं विश्वास गवा देने के लिए आपको सहयोग पर आमंत्रित करता हूँ। बचपन से अनुभव रहे हैं उनका इस तरह से नहीं रखा है, लेकिन तीन भागों में बांटने का प्रयास किया है। सबसे पहले जिन बाइबल के वचनों को हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, सीखते हैं या गिरजाघर में हम लोग सुनते हैं, मेरे जीवन में किन वचनों का अद्भुत रूप से विवचन क्रियाशील हुए, मैंने उन सच्चाइयों को जाना, उस बारे में शेयर करूंगी। साथ ही साथ जिन बातों से मुझे छुटकारा मिला है, अभी हम लोग यहाँ आने से पहले जब बैठ करके तो मेरे फादर से बात कर रहे थे, वे कुछ बातों की चर्चा कर रहे थे। जो एडिक्शन हम लोग हर प्रकार की बुरी लत आजकल अपने युवाओं में देखते हैं, पहले भी देखा करते थे, लेकिन बहुत सारी आज के दिन टेक्नोलॉजी के युग में बहुत तरह की अन्य बातें हम लोग युवाओं में देखते हैं। इनसे युवा वर्ग चाहते हैं कि हम लोग को छुटकारा मिले, और कई बार हम लोग इन प्रयासों में हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी, जब मैं अपने जीवन की गवाही को एक एक बाइबल वर्स में उसको समेटने का प्रयास करती हूँ या कन्वे करना चाहती हूँ, तो मैं हमेशा स्तोत्र ग्रंथ 40 को याद करती हूँ, जहाँ दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दलदल की चीज से सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला और चट्टान पर खड़ा किया और मेरे पाँव को दृढ़ किया। मेरा विश्वास है कि आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं और विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि हम लत से, हम बुरी आदत से हमें छुटकारा चाहिए, हम चाहते हैं इसमें से बाहर निकले और सच्चे मन से आप शताब करेंगे, परमेश्वर से आग्रह करेंगे, निश्चित रूप से आप सबों को छुटकारा फिजिक्स विषय लेकर के तैयारी आ रही, और फिर किसी के सुझाव पर मैंने मेन्स का जो विषय है उसको चेंज किया, ज्योग्राफी किया और दिल्ली चली गई पढ़ाई करने के लिए। और वो बहुत ही कम समय मुझे मिला था कि मैं नए विषय को 3 महीने में पढ़ सकूं, और मुझे अंदर से वो घबराहट हो रही थी कि जब मैंने 1.5 साल तैयारी करके पहला अटेम्प्ट चेन्नई विषयों से किया था और मुझे सफलता नहीं मिली, तो दूसरी बार जब मैं 2.5 महीने की तैयारी के साथ मैं अटेम्प्ट लेने वाली हूँ, तो कोई संभावना नहीं है कि मैं इसमें सक्सीड कर सकूँ। लेकिन आज मैं वचन की सच्चाई को जानती हूँ, जहाँ वचन हम लोगों को सिखाता है कि युद्ध के दिन तो के लिए घोड़े तो तैयार रहते हैं, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है। वो जो 3 महीने का समय था, मैं वचन के सामर्थ्य को नहीं जानते हुए भी एक वचन को बारम्बार दोहराया कहते थे, जो हम लोग सुक्ति ग्रंथ में 6:6 में पढ़ते हैं, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। मैं दोबारा इसको दोहराना चाहूंगी, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। आप सभी युवा वर्ग इस समय में आप लोगों ने अपने भविष्य के लिए सुंदर सपने संजोए हुए, लेकिन चाहे हम लोग ऐसा भी सपना क्यों न देखते, सपने तक पहुंचने के लिए आवश्यक रहता है कि समय का हम लोग सदुपयोग करें, कठोर परिश्रम करने के लिए हम लोगों को कृत संकल्पित होना होता है, कटिबद्ध होना पड़ता है। बाइबल में बहुत सारे वचन विशेष रूप से हम लोग युक्ति वचन युक्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, जहाँ पर आलस के विषय में कहा गया है, कहा गया नींद से प्रीति मत रखो, और यही मैं बार बार मेरे बच्चे देर से सुबह उठते हैं तो यही और भविष्य से रहो हम भूल नहीं पाते। वही परिस्थिति थी हमारे परिवारजन का, और विश्वास ईश्वर के प्रति विश्वास, और उनके नाम
विश्व समाज में मिशनरी लोग जो वचन दिए इस दो शक्ति के वचन है जो ज्योति की अंधेरे में ज्योति विश्वास ईश्वर ने जो जीवन दिया है उसमें अदम्य विश्वास उनके समय में युग अंतर में उन्हें एक सशक्त आदिवासी जाता ईश्वरीय प्रजा और इतिहास ध्यान दीजिए इतिहास अपने आप को विविध युग में थोड़ा सा बदल कर दोहराता है और आज इस युग के अंतर में हम लोग आपके शुरुआत करने और उस शुरुआत हम कैसे करेंगे आज विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र से हम ये अनुभव करते हैं कि हम विभ्रांत हो चुके हैं विभिन्न प्रश्न से हमें विभ्रांत कर देता है हमें साफ साफ दिशा दिखाई नहीं देता है और इसलिए हमें भरोसा करना पड़ेगा वही विश्वास जो हमारे परिवार स्वीकार करें और वही वचन जो हमें मनन चिंतन करना पड़ेगा जो वचन के माध्यम से हमारे परिवार और हमारे माता पिता हमारे परिवार इस मुकाम का भाव पहुंचे हैं और हमारे लिए रिले रेस इस तरह उस रिले को हमें देते हैं ताकि उस रिले को लेकर विश्वास वचन को लेकर हमें हमारा दिशा निर्देश निर्णय करना पड़ेगा और इस रणधनपुर जमाना में हम विश्वास वचन के आधार से ही जो हमारे लिए मापदंड हो सकता है इसी दो मापदंड के आधार से ही हम अपना दिशा निर्देश कर सकते हैं तो मैं यही संदेश देकर मेरा यही जो मैसेज संदेश के साझा करने कर रहा हूँ यही विराम रखता हूँ ईश्वर हमारे साथ रहे हमारे सुंदर जीवन यात्रा में